दोस्तों आज अजमत हुसैन के बारे में मैं बताऊंगा, पूरे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सपोर्ट आप लोगों से चाहता हूं कि भाई मैंने इसके अलावा और भी वीडियोस बनाए हैं और वो वीडियो जो है कॉमेडी वीडियो है जो कि बहुत मेहनत से बनाई है लेकिन शायद वो आप तक पहुँच नहीं पा रही है या फिर आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मेरा जस्ट एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने के बाद में यहाँ पर मैं जो वीडियो का एक बता दे रहा हूँ यहाँ पे वो कौन सा वीडियो है, वो वीडियो का आप थंबनेल देख लो और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। आप वो वीडियो एक बार देखो, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आता तो प्लीज़ यार उसमें भी लाइक कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो यार, बहुत उम्मीद रहती है आप लोगों से। तो प्लीज़ वो वीडियो भी देखो और ये प्रॉमिस है कि आप वो वीडियो देख करके हंसी से लोटपोट हो गया, नहीं भी हुए तो यार थोड़ी सी स्माइल तो आएगी। आपको वो वीडियो देख करके कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जा करके बताना। और अब मैं बात करने वाला हूँ अजमत हुसैन के बारे में। कहीं से यार न्यूज़ आ रही है और काफ़ी बार ऐसी न्यूज़ मतलब फैलाई जा रही है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ काफ़ी वीडियोस में भी दिखाई जा रही है कि अजमत हुसैन को जो है इंडियन आइडल से जो है एलिमिनेट किया जा रहा है, वो इवेक्शन पे आने वाले हैं, जिसके वजह से जो है मतलब सभी लोग कह रहे हैं कि सही भी है, अजमत हुसैन में ऐसा क्या खास है, ऐसा क्या खास है, उनसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड लोग जो है वहाँ पे है और उनको आगे आना चाहिए ना कि अजमत हुसैन को। मैं सिर्फ इस बारे में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पूरा डिटेल बताऊँगा लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि चाहे कुछ भी कर लो ना बॉस, अजमत हुसैन जो था वो हमेशा रहेगा। और रही बात उनके परफॉर्मेंस की, तो भाई जो दूसरे हैं ना सनी हिंदुस्तानी, इसके अलावा बता रहे हैं कि केवाली करके भी एक था उसको एलिमिनेशन में निकाल दिया गया, लेकिन अजमत हुसैन को क्यों टिका करके रखा गया है। वीडियो छोड़ के जाना मत, इस वीडियो के एंड तक में जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और हाँ, इस वीडियो में द फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर अजमत हुसैन के गाए हुए गाने आपको सुनने को मिलेंगे, आपको प्लीज़ यार देखने को मिलेंगे, आप बने रहो, वीडियो को एंड तक देखना। तो बस केवाली करके कोई था जो कि एलिमिनेशन में निकल गया और अभी टॉप 8 चल रहा है। हाँ, टॉप 8 में जो है अजमत हुसैन है और उसमें कहा जा रहा है कि उससे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग जो है सनी हिंदुस्तानी है बॉस, क्यों नहीं है। लेकिन सनी हिंदुस्तानी जो है एक पर्टिकुलर एक ही तरह का गाना गाते हैं, एक उनका फिक्स है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे। उनको बस नुसरत फ़तेह अली खान की आवाज़ में ही गाए हुए जितने गाने हैं वो गा सकते हैं या फिर राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में गाए हुए जितने गाने हैं वो गा सकते हैं। और सबसे खास बात क्या है पता है, कि ये दुनिया जो है ना बहुत सही टैलेंट को सपोर्ट नहीं करती। प्लीज़ बुरा मत मानना, सही टैलेंट को सपोर्ट नहीं करती मीन्स सनी हिंदुस्तानी बहुत अच्छा गाता, नो डाउट द मोस्ट डिजर्विंग कंटेस्टेंट इन इंडियन आइडल, लेकिन उनको फिल्मों में भी डेब्यू करवा दिया गया है। अभी अभी जो एक फिल्म आई थी द बॉडी, इमरान हाशमी की जो फिल्म बॉडी थी, उस फिल्म के अंदर में उनको एक गाना गवाया गया है रोम रोम, और वो गाना जो है पहली बार में जब मैंने थिएटर में सुना तो मुझे लगता है फिर से राहत फ़तेह अली खान से कोई गाना गवाया गया है। लेकिन उसके फौरन बाद जब मैं सर्च कर रहा था तो पता चला कि ये सनी हिंदुस्तानी जो है उनको ये मौका दिया गया। मैं जलस नहीं हो रहा हूँ, ना ही मैं किसी के अगेंस्ट जा रहा हूँ, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बहुत अच्छी बात है एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बंदे को ऊपर लाया गया है। अपने अजमत भाई भी वहीं से आए हैं, लेकिन अजमत भाई जो है बचपन से परफॉर्म कर रहे हैं, उनके पास में जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो आवाज़ है, माना कि इस वक्त में उनकी आवाज़ उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन यार सबसे पहला सपोर्ट की ज़रूरत उनको थी। नहीं होती आप लोग इंडियन आइडल में जगह ही नहीं देते ना फिर, ठीक है, पर ठीक है उनको दिया। पर यहाँ पे अभी एक रूमर्स चला हुआ है कि भाई यहाँ पे जितने भी अजमत हुसैन के फ़ैन थे वो जितने थे उतने ही हैं, वो बढ़ नहीं रहे। जितने भी लोग ये वीडियो के देख रहे हैं उनसे एक खास अपील है कि भाई अजमत भाई को जो है ना जाकर के प्लीज़ उनको वोट करो। सोनी लिव ऐप है, उसको जाके डाउनलोड करो, वहाँ से जा करके इंडियन आइडल के सेक्शन पर वहाँ पर जाके उनको वोट करके जिताओ यार, ट्रस्ट मी वो बहुत डिजर्विंग है। माना हालात थोड़े से बिगड़े हुए थे, अभी धीरे धीरे सुधर चुके हैं, मौका दिया है बहुत बड़ी बात है, इट्स अ ग्रेट थिंग एंड हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन प्लीज़ यार प्लीज़ ये तो मत करो कि उनको निकाल रहे हो। मुझे पहले से पता था, शक था इस बात का कि ये जो अभी लिया है ना उनको लेने का एक ही रीज़न था कि उनको TRP बहुत अच्छा मिलने वाला था। TRP मतलब समझ रहे हो ना कि वो TRP खींच करके टॉप 3 तक लेकर जाएंगे और यही होगा। बाय द वे एक चीज़ बता दे रहा हूँ, इंडियन आइडल वाले हो या उनके अगर कोई हेटर्स भी इस वीडियो को देख रहे हो तो एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि बॉस वो जीते या हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अरिजीत सिंह जो आज आप सुन रहे हो ना बॉस, एक शो से उनको एलिमिनेट किया गया था और वो रो पड़े थे, वो था उनका बाउंस बैक टाइम। वहाँ से जो बाउंस बैक हुआ है ना बॉस, आज देख लो हर फिल्म में एक गाना पक्का है। क्यों मालूम है? माना
जब उनको एलिमिनेट किया गया उस वक्त में वो आवाज़ नहीं थी. द सेम सिचुएशन इज़ देयर फॉर अजमत हुसैन. उनका भी अभी थोड़ा सा सिचुएशन ऐसे ही चल रहा, पर जो वो अपना रिदम पकड़ेंगे ना बॉस, अच्छे अच्छे को हिला डालेंगे. तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है ना, उनको जो एलिमिनेट करने का जो रूमर्स आ रहा है, उनका एक ही रीज़न है कि उनको वोट्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जा रहे हैं. आप लोग यहाँ पे वीडियो में धड़ाधड़ लिख रहे होते हो कमेंट्स में, बहुत अच्छी बात है. एक एक जन छः कमेंट कर रहे होते हैं वीडियो के नीचे में. आई एम ग्लैड कि मेरे वीडियो पे कर रहे हैं, लेकिन उस कमेंट्स के साथ साथ ना आप जो कमेंट वहाँ पे छः कर रहे हो ना, वहाँ पे दो कर दो यार, लेकिन वोट्स देना शुरू करो. वोट्स की सख्त ज़रूरत है और उनको वोट दो. सोनी लिव ऐप पे जा कर के दो या firstcry.com पे जा कर के भी अजमत हुसैन को जो है वोट कर सकते हो. और हाँ, जितने भी लोगों की शिकायत थी कि बॉस आपके वीडियो में गाना ही सुना दो, तो मैं फ़िलहाल उनके लिए ख़ास जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उनके लिए मैं एक छोटा सा क्लिप लेकर के आया हूँ. प्लीज़ देखिए. एंड थैंक्स, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, दबा के सब्सक्राइब किया है, आप लोगों ने बहुत अच्छा मतलब वीडियो को देखा है, वीडियो को जिस तरह से प्यार दिया है, इट्स टोटली हैट्स ऑफ टू यू ऑल ऑफ यू गाइस. और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. और मैंने स्टार्टिंग में कुछ आपसे कहा था कि प्लीज़ मेरा एक और वीडियो है उसको जा कर के देखो, उसको भी सपोर्ट करो यार, मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँगा. जिस तरह से सभी वीडियो पर प्यार आ रहा है ना, उस असली कंटेंट पे प्यार नहीं मिल पाता जितना एक्सपेक्टेशन होता है. प्लीज़ उस वीडियो को जा करके देखो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे प्लीज़ कमेंट में जा करके लिखो क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, लाइक डिसलाइक जो भी होता है वो दो, लेकिन यार प्लीज़ यार इस वीडियो को जा करके देखो. एंड प्लीज़ अजमत हुसैन को जा करके वोट करो सोनी लिव ऐप पे या फिर firstcry.com पे. मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सायनारा एंड अस्ता ला विस्ता. और बाय द वे, मुझे लगता है इंट्रो देना भूल गया. आप देख रहे थे एड इन्फो टीवी, मैं हूँ मिस्टर जीरो. चलो आज वीडियो खत्म करते हैं. थैंक यू. के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी